फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं नीलेश कुमार। तो अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं या पार्ट टू के स्टूडेंट्स हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है पार्ट टू के लिए या पार्ट वन में जो प्रमोटेड किए उनके लिए। यहाँ पे दिया गया है, पहला यहाँ पे दिया गया पार्ट वन का एडमिट कार्ड का जीरोक्स। तो पार्ट वन का एडमिट कार्ड का जीरोक्स लगने वाला है। मार्कशीट का भी जीरोक्स आप लोग लगा दीजिएगा। पार्ट टू का एडमिशन रिसिप्ट लगा दीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आप लोग लगा दीजिएगा पार्ट वन का, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और बहुत से कॉलेज में टेस्ट एग्ज़ाम का रिसिप्ट मांगा जाएगा या नहीं भी मांगा जाएगा, इसमें दिया गया है। आधार कार्ड भी इसमें दिया गया है और फोटो दिया गया। तो यह वैसे जो आप देख रहे हैं, यह है एसके एकलव्य डिग्री कॉलेज जम्मू का यह नोटिस था। तो इस कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट अभी मैंने बताया वह डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और एक और नोटिस मैं दिखा देता हूं, यहां भी देख लें। इस नोटिस में जो डॉक्यूमेंट है सेम ही है, कुछ थोड़ा सा अंतर हो सकता है। पार्ट वन का जो एडमिट कार्ड मार्कशीट मैंने बताया, पार्ट टू का भी एडमिट कार्ड और मार्कशीट नामांकन रसीद हो गया। और तीन यहाँ पे और बोला गया है, एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड, साइज फ़ोटो और टेस्ट एग्ज़ाम का रसीद। तो ये सब डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जो अभी मैंने बताया। बट बेसिक जो है ये चार डॉक्यूमेंट सभी कॉलेजों के लिए सेम ही है, पार्ट वन का एडमिट कार्ड मार्कशीट, पार्ट टू का एडमिट कार्ड और मार्कशीट। तो ये लगने वाले हैं जो बैकलॉग के स्टूडेंट्स उनको लगने वाला है। और रेगुलर को सिर्फ पार्ट वन का एडमिट कार्ड और मार्कशीट लगने वाला है और पार्ट टू का नामांकन रसीद लगने वाला है। तो आप समझ गए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।